नमस्कार, मैं आज बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल दाल। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्स दाल बनाने के लिए चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर दाल, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, प्याज, आलू दो टमाटर, बैंगन और लहसुन, गरम मसाला, धनिया, हरी धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दाल को धोकर अच्छी तरह से इसको कुकर में डालेंगे। मैंने सारी दाल को मिक्स करके धो ली है। आप चाहे तो इसको एक घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दें। इसमें आलू कटा हुआ, बैंगन, टमाटर, प्याज, लहसुन, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, अब इसको 5-6 सीटी आने तक पकाएंगे। ये दाल पूरी तरह से पक चुका है, देखिए। ये अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें तेल डालेंगे। एक चम्मच छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाएगा तो उसमें जीरा चटक चुका है, अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसमें दाल डालेंगे, इसको 2-3 मिनट के लिए खौलाएंगे। दाल तैयार है। इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दें, धनिया पत्ता डाल दें ऊपर से,
अब ये मिक्स वेजिटेबल दाल तैयार है। याद रखें कि इसमें तीनों दाल अरहर, चना और मसूर की दाल बराबर मात्रा में ही लें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।